तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल में हम डैशबोर्ड्स या किसी तरह की रिपोर्ट बनाने से पहले हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग में आपको कलर अप्लाई करना, बॉर्डर अप्लाई करना, ये चीजें तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसी में एक और ऑप्शन, एक और चीज आती है, वो आती है कि किस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग की ट्रिकी फॉर्मेट अप्लाई कर सके, ट्रिकी फॉर्मेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे इसमें 10th हमने लिखा है TH। अब वर्ड में आप जाते हैं, स्पेस मारते ही TH ऊपर चला जाता है, पर एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में आपको करना पड़ता है, कैसे करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर इस TH को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड यहां हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट करते ही देखिए 10th में TH ऊपर चला गया सर। बराबर करेक्ट सर। ऐसे अगर मान लीजिए 10 डिग्री करे, मैं तो जूम कर देता हूं, अगर मुझे 10 डिग्री करना है तो 10 स्मॉल ओ करेंगे, फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक कर हम करेंगे फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में भी सेम हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट होता है। ऐसे 10 स्क्वायर करना है तो 102, हमने 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां सुपर स्क्रिप्ट। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें तो टेक्स्ट पे इस्तेमाल करें, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नंबर पे इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नोटेड सर। तो जैसे आपने किया, अभी दिख तो जाएगा, लेकिन जैसे एंटर प्रेस करेंगे वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो आप सिंगल कोड लगाएं 102 लिखे। अब सिंगल कोड से क्या होता है कि जब भी कोई नंबर टाइप करेंगे स्टार्टिंग सिंगल कोड, तो वह 102 जो है आपका एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेस्ट में टेक्स्ट में, और फॉर्मेट सेल पे गया और मैंने यहां पे कर दिया सुपर स्क्रिप्ट देन ओके। अब देखिए आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है सर, ठीक। अब यहीं पे एक चीज और आती है कि हमने ऐसा तो कर लिया, लेकिन अगर कुछ बल्क में डेटा हुआ तो, जैसे मैं यहीं पे कुछ नंबर्स लिख देता हूं, मुझे इस नंबर्स, अब यहां पे आता है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की बारी। अभी तक तो मैंने नॉर्मल फॉर्मेट बताया, अब ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहां तक जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो यहां तक कुछ बंदे देख लेते हैं तो बोलते हैं छोटा सा चीज हटाओ, लेकिन अब अगला खेल शुरू होता है। अब मुझे इसको जो है 10 डिग्री में, 30 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक एक करके आपको यहाँ पे मान लीजिए आप 10 डिग्री 30 डिग्री आपने लिख दिया, कॉन्केट कर दिया, बहुत सारी चीजें कर लिया, फिर भी क्या होगा कि आप डायरेक्ट एक सेल पे जाओगे और सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल करोगे तो पूरी की पूरी सेल आपकी सुपर स्क्रिप्ट होगी। देखा, बराबर मतलब कि सुपर स्क्रिप्ट जिस करेक्टर को करना है डबल क्लिक कर उस करेक्टर को पहले सिलेक्ट करना होगा, देन फॉर्मेट सेल, उसके बाद आपको यहां सुपर स्क्रिप्ट करना होगा। अब प्रॉब्लम यहीं पे आ गई कि इतने सारे डेटा है, फिलहाल मेरे पास तो 10 डेटा है, 8 9 10 डेटा है, लेकिन आपकी कंपनी में आपके ऑफिस में ये डेटा लाखों में हो सकता है, तो क्या करें। तो अब एक इल्यूजन सा तैयार करेंगे सर, जिसको हम लोग छलावा कह सकते हैं, विजुलाइजेशन। तो हमने एक एक छोटा सा अगली कॉलम को मैंने छोटा कर दिया, उस पे मैंने ओ लिख दी। ठीक है, बाद इसको लिखने के बाद मैं सबसे पहले अलाइनमेंट में टॉप में और लेफ्ट में कर देता हूं, फिर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में मैं इसको कर देता हूं सुपर स्क्रिप्ट।
अभी सुपर स्क्रिप्ट को लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल। सबसे पहले तो इसकी फिल कलर हम व्हाइट कर देते हैं ताकि हमारा ग्रिड लाइन ना दिखे, लाइनिंग जो दिख रहा है उसको। उसके बाद हम बॉर्डर में जाते हैं और यहां से एक बॉर्डर लेते हैं, राउंड बॉर्डर देते हैं और उसके बाद ए बॉर्डर देते हैं। देखिए ये जो बॉर्डर बीच का बॉर्डर होता है इसको हम हटा देते हैं, जो कॉलम माने डी और ई कॉलम को सेपरेट करता है इस कॉलम को यहां से हटा देते हैं। हटाने के बाद जैसे आप ओके करते हैं आप देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ए एक ही सेल में है। समझे सर? सर इसमें हमने कॉम्बाइन सेल नहीं कर सकते हैं क्या? सेल को कॉम्बाइन नहीं कर सकते तो करेंगे, लेकिन हर एक सेल पे जाके डबल क्लिक करके आपको उसका सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा हर। नहीं नहीं कॉम्बाइन नहीं नहीं, आप जैसे आप थोड़ा कंट्रोल जेड कीजिए। मैं समझ गया आपकी बात को जब, लेकिन दोनों जब एक सेल में दोनों डेटा अलग अलग सेल में होना चाहिए ना, एक सेल में जैसे आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉम्बाइन नहीं करना है मेरे को, क्या करना है अपने पहले जो फॉर्मेटिंग कर लिया कलम बी को कलम ई को आपने फॉर्मेटिंग किया, उसके बाद में मैंने इक्वल टू कलम डी एंड कलम ई कर लूंगा, ये नहीं होगा सर? समझ गया आपको, लेकिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ही तो आएगा, यही ना आएगा आपको करने के बाद। कॉम्बाइन होने पे क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ओ है, ये बोल रहे ना आप? आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप मान लीजिए कि सुपर यहाँ पे अलाइनमेंट में नहीं, इसमें होता है फॉन्ट पे, फॉन्ट पे आपने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया ऊपर चला गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है, जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट आपको वही आएगा जो कि हम शुरुआत में टाइप किए थे। अच्छा बस गया, ठीक है सर। तो फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है, ये चीज का ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि कभी भी रीड नहीं करता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ हो गए सर, डाउट क्लियर हो। चलिए अब इसमें अगला ए ऑप्शन समझ आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम इंटरनेट से कोई कॉपी करते हैं, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट साइट खुला हुआ है, हम इसी को कॉपी कर लिए। अब इसको कॉपी करके मुझे एक सेल पे रखेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि कई सारे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, ठीक है। अब किसी इंटरनेट से, किसी वर्ड से, किसी पावर पॉइंट से डेटा लेके अगर मैं इस पर पेस्ट करूंगा तो डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, समझे? अच्छा, इसको पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें डबल क्लिक करना होगा, देन इसमें मैं पेस्ट करूंगा तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा, हो गया। अब इसको मैं यहां पे टॉप पे किया और इसको मैंने यहां पे रैप कर दिया, रैप करने से टूट जाता है, टूट गया, ठीक है। यहां से आप इसको सिंपल कर सकते हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल में, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई हमने कर दिया, यहां भी हमने जस्टिफाई किया। अब जस्टिफाई क्या करता है पता है सर आपको? इसे देख रहे हैं कि ये छोटा है, लाइन छोटा, यहाँ पे ये भी छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये सबसे छोटा है, जस्टिफाई सब कुछ बराबर कर देगा। अच्छा, गैप आ गया, गैप दे दिया, हाँ गैप दे दिया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल मैं छोड़ देता हूँ, वर्टिकल टॉप ही रखता हूँ अब, ठीक है सर? यूएसबी में और के जगह पे एक स्पेस देके दोनों को बराबर कर दिया पहले। उसी चीज मान लीजिए कि डीवीडी बर्नर गलत है, तो मुझे शो करना है कि दिस इज रॉन्ग, हम डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू नाम का एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर, और कलर भी रेड कर दीजिए तो ज्यादा इंडिकेट होगा। तो अब मैं यहाँ पे इजिली कोई भी समझ सकता है कि डीवीडी वर्नर इज द
रॉन्ग टेक्स्ट है यार, क्लियर है? क्लियर। लेकिन जब प्रॉब्लम कब होती है, जब हमें इसी चीज को किसी पर्टिकुलर नंबर पे अप्लाई करना पड़ता है। मुझे ये चीज यहां इस तरह के नंबर पे अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट सेल में जाएंगे हम, अगर इस पर स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं मान लीजिए, तो पता ही नहीं चलेगा ना सर, पता चल रहा है उतना सर, खास नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज को अगर मैं पेन से करूंगा तो कैसे करूंगा, हम यहां से लेंगे और इस तरह से क्रॉस कर देंगे क्या? बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ए फीचर तो मेरी जूम की फीचर है ना, मतलब की तो फिर कैसे करें, एक्सेल पे कैसे करें? जी हाँ, एक्सेल पे भी किया जा सकता है। कैसे? अब राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, बॉर्डर पे आए। अब एक पहले तो बॉर्डर के कलर चूज कर ले, रेड हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट किया। अब ये दिख रहा है आपको इनसाइड वर्टिकल इनसाइड हॉरिजॉन्टल, ठीक है? एंड ओके। और आपके कीबोर्ड में F4 एक ऑप्शन होता है जिससे लास्ट एक्शन रिपीट होता है, रिपीटेड हो जाता है, बराबर सर। F4 आपको राइट का निशान लगाना है तो फॉर्मेट सेल में हम इस बार ग्रीन ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, हो गया? F4 कर दिया, बराबर। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है सर, ये तो चलो आपने कर लिया, बट ये सिर्फ विजुअल के लिए, प्रिंट आउट के लिए है। एक्चुअल में आप इसके भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि मैं फिल्टर लग जाए, आप इसके भी आप चाहते हैं मान लीजिए फॉर्मूला लगा देना, कंडीशन लगा देना, तो ये चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। बराबर। वर्क ना करने के पीछे रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमने ये बॉर्डर को किया है। जी हाँ, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है और फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करती, समझ गए सर? समझ गए। आगे बढ़े, आगे चले गए। तो टिक अन टिक को कैसे करेंगे इधर से? जी, ये जो हमने फिल्टर करेंगे भी वो टिक अन टिक आएगा, जो राइट टिक एंड ग्रीन एंड रेड का जो टिक अन टिक प्लस आएगा, फिल्टर करने से कैसे आएगा? इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि जैसे कि आप ये तो फॉर्मेटिंग, ये तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के पर्पस हुआ, अगर ओरिजिनल करना चाहते हैं तो कैप्स में पी लिख दीजिए, ठीक है? सही के लिए पी और गलत के लिए कैप्स में ओ। ओवर पी से क्या होगा? देखिए ओवर पी से फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम जैसे इस पे एक फॉन्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक होता है बिटैनिक नहीं माफ कीजिएगा बाइंडिंग या बेडिंग से कुछ होता है, सबसे लास्ट में आएगा, बाइंडिंग टू दिख रहा है सर? जो वैनिंग टू पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए क्रॉस हो गया, क्रॉस। तो क्या चलता है, पी को ओ को क्रॉस में और पी को आपका इस तरह के निशान में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पे दिख रहा है आपको क्रॉस एंड पी, बट एक्चुअल में तो आपका और पी है ना सर, यहाँ ऊपर मिलेगी यहाँ, तो आपको फिल्टर लगाना है तो आप ओवर पी पे फिल्टर लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला पे कंडीशन लगाना है तो ओएनपी पे लगा सकते हैं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि आपके सिस्टम में इस तरह के फॉन्ट अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि एक तो फॉन्ट है ना सर, तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कैप्स में पी रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी कि इस पे फॉन्ट बाइंडिंग टू मिला, ये आपको मिला ही नहीं, क्योंकि फॉन्ट तो विंडो का पार्ट है ना। तो इस केस में हम एक बार हमने किया था कि हमने जे को लिया था और जे को हमने रोटेट कर दिया था अलाइनमेंट में जाके -45 degrees पे, हो गया सर? और क्रॉस के लिए तो एक्स हमारे पास पहले से अवेलेबल,
अगर इसमें आगे हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी यहाँ अलाइनमेंट का तरीका मैंने बताया, तो क्या यही तरीका है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? जी हाँ, मतलब इसके मतलब तरीका ये बात नहीं कि अलाइनमेंट का यही यूज है या कुछ और यूज भी हो सकते हैं। तो अलाइनमेंट के और यूज भी हो सकते हैं, कैसे यूज करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए छोटा सा डेटा हम बनाते हैं आपके सामने, छोटा सा डेटा नेम, और हमने यहाँ पे डेट डाल दी, इसको ड्रैग कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से बॉर्डर दे देता हूं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसकी प्रिंट आउट निकालना मुश्किल हो गया, कितना सर बराबर एक पेज पे मान लीजिए इसको मैं नॉर्म नैरो मार्जिन कर देता हूँ, फिर भी एक पेज पे प्रिंट आउट नहीं आएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, लैंडस्केप पोर्ट्रेट से इसको हम लैंडस्केप कर देते हैं, फिर भी दिख रहा है नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, फिट इन वन स्क्रीन कीजिए, फिट इन वन पेज कीजिए, नहीं उससे छोटा हो जाएगा ना बहुत, तो फिर रिडेबल नहीं होगा, तो फिर शायद क्या है उसके लिए लेंस लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा डेटा कोई खास बड़ा नहीं, पर डेटा की हेडिंग बहुत बड़ा है, तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और अलाइनमेंट में 90 डिग्री पे वर्टिकल में उसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है सर? करेक्ट, ये ऊपर इस तरह से हो गया। मैं इसको पूरे सीट को सिलेक्ट करके और डी और सी कॉलम के जो बॉर्डर है इस पे डबल क्लिक कर देता हूं, इससे क्या होता है ऑटो फिट, मतलब जितना साइज चाहिए उतना में वो फिक्स हो जाता है। अब मैं प्रिंट लूंगा तो देखिए पूरा का पूरा डेटा मेरा एक पेज पे प्रिंट हो गया, बराबर करेक्ट हो गया, हो गया ना सर, 100% फॉन्ट साइज की जगह फॉन्ट साइज पे आ गया, ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं, इसी तरह के फॉर्मेट्स अप्लाई किए, ये तो बेसिक फॉर्मेट्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी यहाँ पे कर देखने को, बहुत सारी फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए कि इस एक, एक जो मैं कैलेंडर है उसी को मैं डाउनलोड करता हूँ, देख गया सर, सॉरी इसमें आप देख रहे हैं बॉर्डर किस तरह से है, जिसे इसकी बॉर्डर को क्वाइट कर दिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट, आप न्यू पे जाएं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट मिल जाएगा जिसका यूज इसने किया हुआ है। ये देखिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से देखिए किस तरह से बना रखा है इसने। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी करने से पहले मेन तो उसका फॉर्मेटिंग है ना सर, फॉर्मेटिंग मेन है। तो अब आप क्या करें कि मुझे इसी तरह से कुछ फ्रॉम फॉर्मेट्स बना के देते हैं मुझे, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे बात करेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेटिंग मैंने कवर की, एडवांस फॉर्मेटिंग इसके बाद कवर करेंगे जब इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।